बोलिए सदगुरुदेव की जय। तीर्थराज पे आपकी पावन भूमि में पधारे सभी तीर्थयात्रियों, स्नानार्थियों, कल्पवासियों, आज बड़े ही सुख की बात है, खुशी की बात है कि आज इस कबीर सत्संग पंडाल में हम सब बैठकर ज्ञान चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सदगुरु कबीर की वाणी आप सब जानते हैं। सदगुरु कबीर इस धरती तल पर एक ऐसे महान संत हुए हैं जिनकी दो टूक वाणी हर किसी के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। सदगुरु कबीर एक ऐसे महान अनुशासता थे जो अपने बात से हर किसी के अंतःकरण में विराजमान है। गांव नगर चलते बस्ती चलते ही लोग पूछ लिया करते हैं, भैया कहाँ से हो, कहाँ रहते हो? अगर कह दिया जाए कि हम कबीर साहब को मानने वाले हैं, सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, बड़े गदगद होकर कहते हैं, भैया उनकी वाणी तो अमृत है, अमृत। बंधुओं, उनकी वाणी अमृत तो है, किंतु उस अमृत वाणी को यदि हम पिएंगे नहीं, उसका रसपान नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन अमृतमय नहीं बन सकता। आज इसी अमृत रसपान करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, संतों की, गुरुजनों की वाणियों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब कितने दूर दूर से यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आप सब भी चाहते हैं कि हमें सुख और शांति मिले। इंसान एक जगह रहते रहते बोझिल हो जाता है, दुनिया के दुख दर्द में सहते 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 परेशान हो जाता है, तब सोचता है कि चलो इसी बहाने कम से कम तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर गंगा नहा करके आए, अपने जीवन का कल्याण करके आए, कुछ संतों की वाणी सुने, कुछ दिन कल्पवास रहें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यही सोचकर यहाँ लोग आया करते हैं। बंधुओं, दुनिया एक संसार, ये दुनिया अनेक प्रकार से बनी हुई है। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, चकाचौंध को देखते हैं, किंतु कोई विरले होते हैं जो इस संसार की प्रकृति के ऊपर भी जिया करते हैं। वैसे ही थे सदगुरु कबीर, जो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से ऊपर होकर के जिए और आज हम सबको एक महान संदेश दे गए कि कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माय, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। इस संसार में रहो लेकिन कमल के पत्ते के समान। कमल का पत्ता आप सब देखे होंगे, तालाब में, नदी में जो बड़े पोखर होते हैं, अक्सर वहां कमल के फूल होते हैं। कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, किंतु कभी कीचड़ और पानी में लिपायमान नहीं होता, उसमें एक बूंद पानी की भी पड़ जाए तो वो ढरक करके नीचे बह जाती है, उसमें चिपकती नहीं है। ठीक वैसे ही संत गुरुजन होते हैं, वे इस संसार रूपी कीचड़ में पैदा तो होते हैं, जन्म तो लेते हैं, किंतु संसार से ऊपर होकर अपना जीवन सुधार कर इस संसार से ऊपर होकर जीते हैं। उनको इस संसार का माया मोह लगता नहीं है, चिपकते नहीं है इस संसार में, वे तो इस संसार में और जो भरे हुए आडंबर, कुरीतियां, अंधविश्वास, भ्रम, मान्यताएं, ये सब जितने कचड़े हैं,
इन सबको गुहारने का काम करते हैं। गुरुजनों ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। सदगुरु कबीर ने ये बात बहुत मार्के की कही है। हम कहीं भी चले, कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, तो ऐसे मिले कि उनके दिल दिमाग में एक छाप छूट जाए। और इसके लिए करना क्या है? ऐसी वाणी बोलिए। सदगुरु कबीर एक छोटी सी बात कहते हैं, किंतु इस छोटी सी बात में बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। हम सब करते क्या हैं? घर में, परिवार में, अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ रहते तो हैं, किंतु कभी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। लोगों से हंसकर, खेलकर, हंसी मजाक करके हुए जीवन जीना पसंद ही नहीं करते हम। हम तो केवल उखड़े उखड़े, पिता पुत्र घर में हैं, लेकिन पिता का मुंह पश्चिम है तो बेटे का मुंह पूरब रहेगा। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ऐसा घर घर नहीं, नरक है। और इन्हीं घर को स्वर्ग बनाने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे शब्द बोलो कि दूसरों को दिल में चोट ना पहुंचे। कभी तुम्हारे वजह से किसी दूसरे के आंखों में आंसू ना आए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि हम रोते हुए इंसान को हंसा दें। कोई इंसान रो रहा हो, कोई इंसान बीमार हो, दुखी हो, पीड़ित हो, कष्ट में हो, तो उसे हम हंसा दें। आजकल तो हम ऐसा करते हैं कि जो इंसान हंसता रहता है वो भी हमारे कारण रो डालता है। किंतु बंधुओं, हमें अपने जीवन का सुधार करना है, अपनी वाणी का सुधार करना है। और क्या करना है? लोगों के हृदय में हमारे लिए कभी पीड़ा ना हो, ये छाप छोड़ना है। दुनिया में एक छोटा सा बच्चा हर घर में पैदा होता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है, अपने माँ बाप के संग साथ रहते रहते इस जीवन को जीने का तौर तरीका सीखता है। किंतु बंधुओं, इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरों के दिल में जगह बनाना सीखता है। वही बच्चा श्रेष्ठ होता है जो स्कूल में अच्छा नंबर पाता है। वही बड़ा श्रेष्ठ होता है जो दूसरों को रोते हुए को हंसा देता है। वही बूढ़े और बुजुर्ग श्रेष्ठ होते हैं जो दूसरों को अच्छी राय देते हैं, अच्छी सीख देते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें अपने जीवन का सुधार करना है। जब तक हम अपना जीवन सुधारेंगे नहीं, तब तक हमारी वाणी अच्छी नहीं होगी। जब तक हम अपने मन को नहीं सुधारेंगे, अपने स्वभाव को नहीं सुधारेंगे, अपने विचारों को नहीं सुधारेंगे, तब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, हमारी वाणी पवित्र नहीं होगी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। दूसरों का हृदय शीतल हो जाए। जैसे आप सब यहां आते हैं, संतों के विचार सुनते हैं, तो आपका दिल, आपका दिमाग, आप पूर्ण रूप से गदगद हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जब घरों में जाएं, लोगों के साथ रहें, वर्ताव करें अपने माँ बाप पिता पुत्र के साथ, तो उनके दिल में हर समय आपके लिए खुशी का माहौल बने। वे कभी ये ना सोचें कि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरे दादा ऐसे हैं, मेरी दादी ऐसी है। वो ये ना सोचें, उनको खुशी मिले जब आपके साथ रहें। वे आपके आने का इंतजार करें। आप घर में ना हो तो वे आपका इंतजार करें कि भाई हमारे पिताजी कब आएंगे, हमारे दादे दादी दादा कब आएंगे। ये उनके दिल में रहे,
तो जानिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तब तक आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगेगा। जब आप अच्छे होते हैं तब दूसरे लोग आपको अच्छे लगते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को संवारें, अपने आप का सुधार करें। हमारा मन बहुत आ जाइए, आप लोग और आगे बढ़ जाइए, इधर माता जी आप लोग इधर आ, माता लोग इधर आ जाए और भाई लोग इस तरफ, भाई लोग इस तरफ बैठे आगे बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन का सुधार कैसे करें। हमारी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जो जिंदगी मिली हुई है इसको हम कैसे सुधारें। हर इंसान सुख से जीवन जीना चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो दुखी जीवन जीना पसंद करता हो। हर इंसान चाहता है कि हम सुख से रहें, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा जीवन कल्याण हो, हमारा मन सदैव प्रसन्न रहे। किंतु उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें अपने जीवन को सुधारने का काम करना है, अपने स्वभाव को सुधारने का काम करना है। इंसान कहता है कि हम दूसरे के कारण दुखी हैं। किसी पुत्र को आप कहें तो कहेगा कि मेरे माता गलत है, मेरे पिता गलत हैं, मेरा भाई कहम नहीं है, मेरी बहन गलत है, मेरे भैया भाभी पिता पुत्र सबको दोष देगा। वह कभी अपने आप को दोष नहीं देता। और बंधुओं, गलती इसी पर होती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मूलिया कोय, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा ना होए। सदगुरु कबीर ने कहा है कि यदि हम बुरे हैं, यदि हम बुरा ढूंढने चलेंगे तो दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण रूप से बुरा नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरा तो हम खुद हैं और हम दूसरों को बुरा कहते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन को दुखी और पीड़ित बनाकर रखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मैंने बुरा ढूंढने का प्रयास किया लेकिन पूरा दुनिया घूम डाला, कोई बुरा इंसान नहीं मिला। जो दिल ढूंढा आपना, अपने दिल में जब निहार कर देखा, अपने दिल में तराशा, अपने दिल में उतर करके देखा तो पता चला कि सबसे बुरा तो मैं हूं। और इसी बुरे मैं को सुधारने की आवश्यकता है, तभी हमारा जीवन सुख और शांति की ओर आगे बढ़ सकता है। हम सब सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। बंधुओं, एक बात मैं कहूं तो हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने मन को संवारें, अपने स्वभाव का सुधार करें, अपने विचारों का स्वभाव करें, तभी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने दिल में झांक करके देखें, अपनी बुराइयों को देखें और उसे दूर करने का प्रयास करें, तो शायद हो सकता है कि जिस ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा आत्मा जिस किसी भी चीज को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे भीतर है, और वो चीज हमें जब मिल जाएगी तो हम सुख और शांति को प्राप्त हो सकेंगे। और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। हमारे संतजन यहां पर विराजमान हैं। मैं आगे विचार रखने के लिए श्री रविंद्र साहब से निवेदन करता हूं कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री रविंद्र साहब।